गाइज वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो आज हम करने वाले हैं नेल एक्सटेंशन। क्या हुआ? अरे यार आपने देखो उसकी वीडियो हटा दी, सॉरी गुस्सा हो गई वो। चलिए मैम स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स गो। तो ये हमारे नेल पेंट हैं और ये नेल आर्ट का कुछ सामान है ये, और ये हमारे ये फेक नेल हैं, ये भी और ये साइज के लिए होते हैं, जेल जेल नेल हम आपको करके दिखाएंगे और बाकी किसी चीजें हम आपको करेंगे। हाँ ये, और मेरे पास ये पॉली जेल में है, एक न्यूड पिंक और वाइट है, और एक वो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ना वो वाला। हाँ तो चलिए, ये है बहुत सारा सामान है। ये हमारा नेल ड्रायर, और आज भाभी ने वो वॉच पहनी है जो भैया ने उनको गिफ्ट करी थी, दिखाओ शादी पे। हाँ ये शादी पे गिफ्ट करी थी, हमने आपको दिखाई नहीं थी पर हाँ हमने रखी थी। चल तो स्टार्ट कर। ओके सबसे पहले एक ब्लफर ले, हाँ अपने नेल्स को सेट कर ले अच्छे से। अच्छे से ओके, तो आप इसको सेट कीजिए। हाँ, और ये थोड़ा तेज बोलिए। जवाब हो गए प्रोसेस में दिखा रही हूँ। हाँ सी, और मैं क्यूटिकल्स कट ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे दर्द होता है, और जब मैं ना फर्स्ट टाइम मुझे नेल आर्ट का इतना क्रेज चढ़ा था, इतना शौक चढ़ा था, मैंने ये मशीन ली। ठीक है कौन सी वाली? हाँ वाली तुझे हाँ हाँ मुझे याद है, आई थी मैंने मंगाई थी, उसके बाद ही यार मैंने पूरे दिन ही और इनको करती रही, लगी रही क्यूटिकल्स ज़्यादा हो गए थे। वैसे पेन के लिए ये रहता है बट फिर भी मतलब मुझे मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था। हाँ अभी आपने अभी सही है शायद आपके क्यूटिकल्स है ना, तो चलो इनको अच्छे से सेट करना है। सेट करना है, ये है कि पॉली जेल में आपके नेल बहुत वीक हो जाते हैं। मैं बताऊँ मतलब वो किया ना? हमने क्या किया यार, देखो वैसे इतनी जल्दी नहीं होते हैं बट एक रीजन था कि हमने शौक तो चढ़ा हुआ था, आया भी था, तो एक वो रहता ना जुनून सवाल, आज ये करते हैं कल ये करते हैं आज ये पसंद आ गए तीसरे दिन, तो ऐसे करके हमने बहुत ज्यादा किया था, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो आप हाँ। बहुत ज्यादा ना करवाएं, तो वन मंथ में एक बार करवा लें या फिर ये है। बतो हमने बहुत ज्यादा किया था, बहुत नेल वीक हो गए थे बहुत ही ज्यादा। अगर बताओ नेल कट से कट करने में कट की आवाज नहीं, हाँ, वो मतलब इतना सा स्किन जैसा हो गया, मतलब ऐसे थे बहुत हार्ड, अब देखिए थोड़े मतलब पतले हो गए आ गए क्योंकि अब आ गए, मैंने बहुत टाइम से किया नहीं है तो थोड़ा वो रहता है। ज्यादा मत करो, चलो घिसो ऐसे कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट बहुत ज्यादा करने से ये प्रॉब्लम होती है। उसका ऐड आ गया बेटू, और अब हमको लगाना है ये हाइड्रेटर अपने नेल्स पे, तो अब हम लगाते हैं। इससे क्या आपके नेल्स ड्राई हो जाएंगे, जिससे कि ये जो जेल होता है वो अच्छे से स्टिक हो जाता है, वरना छूटने का फिर वो रहता है जल्दी। हमने ये लगा लिया है, और मैं कौन से कलर का करूँ भाभी? वो पिंक, हाँ पिंक उसके ऊपर फिर है ना नेल पेंट, या फिर पिंक ही करोगी है ना? हाँ आपको ये पाउडर फॉर्म में है, हाँ ये भी वही है ये वाला जेल, पर ये पाउडर फॉर्म में है। ये तो उसको बाद में सही करने के लिए होता है ना? नहीं मतलब इसका भी कर सकते हो। हाँ नीचे आना है, ये अरे ये ले जाओ, ये ले जाओ, इससे आप अपने बालों में लगा लो इसको। तो सबसे पहले आपको लेना मोनोमर, हमने मोनोमर लिया, हमने इसमें डाला होना चाहिए, तो अपने साइज के नेल इसमें से चूज कर लो फिंगर के साइज तो के। ये लिया सबसे पहले, उसके बाद आपको जेल लेना है। अब रुकिए, अब आप करिए यार वेट, यही है दो है ना उसके, दो बना लिए थे। इस पे लेना है, फिर इस पे थोड़ा सा मोनोमर लेना है, एंड देन आपको जितनी भी लेंथ रखनी हो उसके अकॉर्डिंग। इस पे ये फिक्स करना है, आपको ये अपने स्नेल पे रखना है, उसके बाद फिर आपको इसको डालना है ड्रायर में है ना। कौन से
सेकेंड, तो ये यहाँ पे इतना सारा फिर से हो जाता है इसकी हेल्प से। तो ऐसी क्लिप भी आती है इनकी, ये क्लिप आप यहाँ पे रख के फिर इसको इसके अंदर। भाई क्या उस क्लिप से आपको पेन नहीं हो रहा? थोड़ी कुछ होता है। लो बेटा, क्या वो ज्यादा प्रेस नहीं कर रही? हुँ? क्या वो ज्यादा प्रेस नहीं करती? हल्का सा प्रेस करती है। तो मुझे नेल एक्सटेंशन का बहुत शौक था। पहले सबसे पहले जो मुझे शौक चढ़ा वो चढ़ा नेल आर्ट का। नेल आर्ट का मुझे गिफ्ट किया था राजवीर जी ने जब वो ग्वालियर रहते थे। बेटू मम्मी ना आपको नहीं, मेरी बेटी को पहले मम्मी लो भाई। ये क्या है? इसी को निकाल दूं सबसे पहले मैं बस। अब तो भाभी आप यही सेम चीज अपनी फोर फिंगर्स जो लेफ्ट है उन पे करोगी, है ना? अब ये हो गया, इधर देखो। हाँ ये हटाया। हाँ और धीरे से हमें ये कॉर्नर पकड़ना है एंड ये वाला दिख रहा है अच्छे से? रुक जाइए। हाँ देखो अब हमें बस ऐसे करके आया। वाओ हाँ अब इसको फिर हाँ बस अभी इसको हमें सेट करना है। अभी पहले आप सब सारे करोगे। देखो आप लोग देख ही सकते हो कितना प्यारा हो, कितनी फिनिशिंग हो, कितना ग्लॉसी हो रखा है ना? हाँ राइट ना। अब जितनी आपको लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। मम कुर्सी पे बैठ जाओ। आ जाओ अब आपका हैंड दिखा। आप कंप्लीट कर लिया? हाँ अब भाभी ने कंप्लीट कर लिए, अब इनको सेट करेंगे भाभी। आरू पेपा पिग कहाँ है? पेपा पिग उठा लो। पेपी कहाँ है आपकी? कहाँ है पेपे? ये देखो ये भाभी के सेट हो चुके हैं। अभी इनको सेट नहीं कहीं करना, अभी बस दो मिनट और फिर उसके बाद हम सेट करेंगे। भाई बच्चे कुछ नहीं करने देते, कुछ करे भी तो एक ही तो है बच्ची वो यार। मैं तो मदद करता हूँ, मैं तो मदद करता हूँ। वो ज्यादा छोटी है पर मुझसे सेट करनी है अच्छे से, जितनी लेंथ रखनी है। जल्दी देखो जल्दी। हाँ ये हम लेट हो रहे हैं, मैं अभी खाना भी बनाना है। इससे कैसे बनाओगी? मैं बना लेती हूँ, मैं एक हाथ से तो आटा लगा लेती हूँ, दूसरे हाथ से रोटी बना लेती हूँ। नहीं वो तो बन जाती है, मेरे को मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। आपको आदत है। अरे मैं नेल से कुछ भैया मेरे बाल आ जाएंगे इसमें। हाँ लो ये नेल से कुछ हो ही नहीं रहा इस काम पे। इसमें बहुत सारे काइंस के पेड़ किए रहे हैं, ये क्यूटिकल्स के लिए होता है ये वाला और ये नेल्स के लिए रहते हैं। जैसे आपको वो लगे उसके अकॉर्डिंग ले लो। देखो ये जो नीचे क्या ये एक्स्ट्रा रह जाता है, ये जेल दिखाई ये वाला जो नीचे दिख रहा है। हाँ रुक जाओ, हाथ तो हिलाना बंद करो। हाँ अब दिख रहा है, ये इसके लिए रहता है। तो अभी आप इनको क्लीन करके दिखाते हो? एक करके दिखा देती हूँ। सी ज्यादा हिलाओ कम। बबी साइड के कर रही है। और एक बात और, हम प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट नहीं है, तो फिर अगर फिर भी मैंने पता हाँ। बहुत अच्छे कर लिए जितने भी बात की है। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने ऐसे ही बस वीडियोस देख के YouTube बेस्ट है, उससे कुछ भी सीख सकते हैं हम। क्रिटिकल ऑयल्स ये आपको साइड में लगाना है। खत्म। अब ये हमारे हो चुके हैं और कितना अच्छे से हो। और फिर अब इसको अब बताइए यही नेल आपको जब बाहर करवाने जाते हो तो 2000 से स्टार्टिंग होती है, 5000 और ब्ला ब्ला। मैंने कभी करवाया नहीं है, बस मैंने प्राइस देखी और वो सब प्यारा हुआ है। सी
और मेरा जो भी नेल एक्सटेंशन का सामान है उसके आपको प्राइस जाननी है, लाइक दैट ये कितने का है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी यूज़ भी नहीं की, ये जेल क्लीन्ज़र है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने अभी यूज़ नहीं की है, तो वो आपको सारी चीज़ें जाननी है, तो कमेंट करें मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊँगी। और देखो नेल आर्ट का भी सारी चीज़ें मेरे पास, स्टैम्पिंग, ये प्लेट्स हैं डिज़ाइन की, ये इसका ये ब्लैक पता नहीं क्या बोलते हैं ये है जेल है उस जेली जैसा लगता है बस। हाँ, वो है ऐसे ऐसे घुसा दो उसमें नेल। बताइए आपको कैसे लग रहा है? और अब आप इन्हीं नेल्स को डेकोरेट कर सकते हो, मैं इसमें फूल पत्ती चिपकाऊंगा। हु इज इट मम्मी? इतने बुरे तरीके से क्यों पढ़े जाते हो? असल ये मसाले साथ सच एमडीएच एमडीएच। देखो आप क्रिकेट खेल के आ गए। yes. देखो क्या देखना है, नेल्स दुकान फिर लगा ली। चलो पहनी ये बेड के लिए मैं वॉच लेके आया था भाई साहब। तो ये मैं पहनी ना, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ये मत क्या करो, ये तो देखो ऐसा ही हुई क्यों भैया? आपने आज क्रिकेट कैसे खेला? निकल लिए नाखून। इसके लिए मुझे वीडियो आई थी कि मैम बनाइए आप। प्लीज एक बार बोलिए आप मुर्गा बनने की वीडियो बनाइए। पापा कहाँ से आए बेटा, बताओ कैसे लग रहा है क्रिकेट खेल के?